नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हमारे साथ मौजूद हैं कमलागंज में रहने वाली, घोसीपुरा में रहने वाली सना खान। इनके पिताजी एक ऑटो ड्राइवर हैं जो शहर में ऑटो ड्राइवर चलाकर मजदूरी कर कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। इन्होंने अभी हाल ही में स्टेट लेवल पर हुई पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में इंदौर में पहला स्थान प्राप्त किया है और गोल्ड मेडल जीता है। इनका सिलेक्शन नेशनल के लिए हुआ है। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सना खान जी फास्ट समाचार में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी, स्टडी कहाँ से की आपने, आपके बारे में एक जीवन परिचय चाहेंगे कि कहाँ से आपने स्टडी की है, क्या क्या स्टडी में किया है आपने। मैंने गर्ल्स कॉलेज से बीएससी बायोलॉजी से हमेशा फर्स्ट डिवीजन किया है और मेरा लास्ट ईयर 2021 को हुआ था। और बाकी मैं अभी एमपीएसआई की प्रिपरेशन कर रही हूँ और साथ में पावर लिफ्टिंग गेम खेलती हूँ और बाकी जो जनरल चलता है बस वही कर रही हूँ अभी। और पावर लिफ्टिंग में मेरा नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ है जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और बाकी मेरा फर्स्ट कंपटीशन हुआ था पावर लिफ्टिंग का, हाँ नहीं, 5 सितंबर को हुआ था 2021 में, वन विद्यालय में हुआ था, जिसमें मैंने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की थी और गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद में मुझे इस गेम में बहुत इंटरेस्ट बढ़ता गया। मैंने कहा नहीं, अब तो खेलना है, बस आगे बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। फिर उसके बाद में मेरा वहीं से सिलेक्शन हुआ जिसके कारण मैंने उज्जैन के बड़नगर में कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया जिसमें मेरी थर्ड पोजीशन रही थी, ब्रॉन्ज मेडल मेरे को मिला था। फिर उसके बाद मेरा नेशनल के लिए मैं ट्रायल देने गई थी इंदौर में, तो उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता और फर्स्ट पोजीशन मेरी रही है। और मुझे नेशनल जाना है 9 तारीख को, 9 अप्रैल में जाना है मुझे केरला के लिए। तो आपके दिमाग में थॉट कैसे आया कि आपने बताया कि एमपीएसआई की आप तैयारी कर रहे हैं, फिर एकदम से स्पोर्ट्स कोटे में कूदना एक तरह से अलग सा फील्ड हो गया है, किसने आपको प्रेरणा दी, कहीं ना कहीं से आपको प्रेरणा मिली है या फिर आपके मन में आया? प्रेरणा, मतलब प्रेरणा नहीं मिली मुझे, मैं ना फ़ोन में रील्स देखती रहती थी, वीडियो स्ट्रॉन्ग लड़कियां और जिम में, मतलब जिम के लिए मैं को कभी आइडिया नहीं था कि मैं कभी जिम ज्वाइन करूंगी या फिर मैं स्पोर्ट्स में आऊंगी, मतलब कोई आइडिया नहीं था। वैसे मैं एथलीट रह चुकी हूँ और मेरा 3 साल का रिकॉर्ड है गर्ल्स कॉलेज का, जिसमें मैंने लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग तीनों में हमेशा फर्स्ट 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 गोल्ड मेडल जीता है तीनों में। और मतलब मैं देखती रहती थी वीडियो कि मतलब लड़कियां किसी से कम थोड़ी ना हैं, मतलब एक मन में ख्याल आता था कि हाँ मैं भी ये कर सकती हूँ। मतलब मैंने इसी ये सोचकर मैंने ऐसा किया कि मैं भी करके देखूँ एक बार, ट्राई करने में क्या जाता है, तो मैंने ट्राई किया तो मुझसे हो गया। अच्छा, आपके परिवार का माने तो एक आपके पिताजी ऑटो ड्राइवर हैं, ऑटो चलाते हैं और माता जी हैं, हाउस वाइफ हैं और आपका परिवार है, एक छोटा सा आपका घर है ना, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि छोटे इतने मिडिल क्लास फैमिली से आप हो, इतने गरीब परिवार हो, आपको कोई हिचक महसूस नहीं हुई? आपको घर वालों से क्या सपोर्ट मिला? मेरे को मम्मी पापा ने हमेशा सपोर्ट किया है। और जैसे आपने बताया कि स्पोर्ट्स में लड़कियां हैं स्ट्रॉन्ग, तो अगर जैसे कई लड़कियां इस फील्ड में नहीं जाना चाहती हैं कि एक उनको लड़कों को फेस करना पड़ेगा या तमाम चीज़ें उनके सामने होंगी, तो परिवार वाले परिवार वालों ने आपको मना नहीं किया और वहां आप गए तो आपको कैसा महसूस हुआ? मेरे को मतलब फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी तब लगता था कि नहीं, मतलब सारे वॉइस वॉइस हैं और मैं के लिए गर्ल्स हूँ, और फिर मतलब लोग बाग जो वॉइस रहते थे वहाँ पे जिम में वो लोग भी देख के हंसते थे कि यार मतलब लड़की लड़की पावर लिफ्टिंग खेलेगी शिवपुरी में, मतलब ऐसा कि लड़की पावर लिफ्टिंग खेलेगी, बहुत लोगों ने नाम जाना। पहले मैं गई वहाँ पे कुछ दिन, नाम जानने की कोशिश की, इसका नाम शना खान है और ये पावर लिफ्टिंग गेम खेलती है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे, मतलब मैंने प्रिपरेशन बहुत बहुत हार्ड वर्क किया यहाँ तक आने के लिए, बहुत मैंने 8 महीनों में इतना अपने आप को काबिल कर लिया, मैंने इतना प्रिपेयर कर लिया अपने आप को कि मैं जो 3-3, 4-4 साल से लड़कियाँ प्रैक्टिस करती हैं आज मैं उनके मुकाबले पर हूँ। अच्छा, आगे की नेशनल आप खेलने जा रहे हो तो आगे की क्या प्रिपेयर है आपको, क्या प्लान किया है आपने आगे का? मतलब जो मेरा टारगेट है उससे ऊपर का सोच के रखा है मैंने अभी, कि मैंने जो मतलब 2 क्विंटल 27.5 kg जो वेट उठाया है, मैं चाहती हूँ कि कम से कम 2 क्विंटल 50 किलो तो मुझे करना है, वहाँ का मेरा टारगेट है अभी। और अगर इससे आगे भी होगा तो मैं आगे भी करूँगी क्योंकि मुझे जाना ही है नेशनल में, मेरा फाइनल है। अच्छा, आपका वेट के अकॉर्डिंग आपने जो वजन उठाया है, इसके अलावा जो आप नेशनल खेलने जा रहे हो तो एक स्पोर्ट कोटे से जॉब भी होती है इसमें, तो आपका क्या उद्देश्य है इस स्पोर्ट में आने का? मतलब स्पोर्ट्स में आने का मेरा स्टार्टिंग से ही रहता था, मतलब मैं रनिंग करती रहती थी, लॉन्ग जंप, कहीं से भी कहीं पे कूदना, पेड़ पे चढ़ना, सब कुछ, और बास्केटबॉल भी खेलती थी मैं,
पहले, मतलब आज से 5 साल पहले मैंने बास्केटबॉल खेला था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैं कैप्टन थी टीम की, पर फैमिली में से मुझे परमिशन नहीं मिली थी जाने की, मेरे को ग्वालियर जाना था खेलने, तो फैमिली में बोला कि नहीं, मतलब मोमडन में लड़कियां नहीं जाती हैं, और फिर ऐसा कि नहीं हम नहीं जाने देंगे, मतलब मेरे सारे कोच भी आए हुए थे घर पर, उनने भी बोला कि बेटा, पापा को भी बोला, मम्मी को भी बोला कि आपकी बेटी का सिलेक्शन हुआ है और ग्वालियर जाना है, इसके बाद इंदौर जाना है, उसको खेलने जाने दो, तो फिर फैमिली में मतलब एग्री नहीं हुए थे जाने के लिए, अगर मैं पहले ही चली जाती तो बहुत कुछ हो जाता अभी, लेकिन नहीं जाने दिया। अच्छा, नेशनल में सिलेक्शन हो गया है, अब लोकबाग आप आए हो आज ही सुप्री में, तो कौन कौन घर पे मिलने आ रहा है और कैसा आपको लग रहा है? मतलब बहुत, मतलब मेरे सारे रिलेटिव और मतलब जो मेरी कॉलोनी के एरिए के जो लोग हैं, जो मुझे जितने लोग जानते हैं, सब लोग मुझे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सब लोग बधाई दे रहे हैं, और मेरे अंकल, ये मेरे बड़े पापा, मतलब वो भी मुझे बहुत बधाई देते हैं, मतलब जितने भी लोग मुझे मिलते हैं हमेशा वो लोग मुझे मोटिवेट करते हैं कि नहीं, मतलब मैं कभी हिम्मत हारती हूँ ना तो मुझे लोग बाग मोटिवेट करते हैं कि नहीं सना, तुझसे होगा, तुझे करना है, तो फिर मुझे लगता है कि जब सामने वाला मुझे बोल रहा है कि मैं ये कर सकती हूँ तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती, वो मुझे भी करना है, मैं ये सोच के आगे बढ़ती जाती हूँ। तो देखा आपने, ये थी सना खान, कमलागंज निवासी खुशीपुरा की, जिन्होंने अभी हाल ही में इंदौर में स्टेट लेवल पर हुई प्रतियोगिता पावर लिफ्टिंग कर गोल्ड मेडल जीता है। और इनके परिवार के बारे में बताएं कि इनका एक छोटा सा मकान है जो शिवपुरी के घोसीपुरा में बना हुआ है, लेकिन गरीबी होने के बाद भी इन्होंने कभी भी, ये परिवार जनों ने भी ये नहीं सोचा कि नहीं हमारी बच्ची को हम इस तरीके स्पोर्ट कोटे में भेजें। तो आगे भी बने रहिए फर्स्ट समाचार।